ईयर सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम यूनिट सेकेंड का 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन। इम्पोर्टेंस क्या होती है कम्युनिटी की सोशलाइजेशन में। इससे पहले हमने कम्युनिटी की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसके बाद उसके प्रस्पेक्टिव डिफरेंट टाइप्स के प्रस्पेक्टिव पढ़े थे, उसके बाद हमने कम्युनिटीज के टाइप्स पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है सोशलाइजेशन में। द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ टुगेदरनेस। इसमें क्या है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस लाइज इन द सोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, जो एक तरीके से जो सेंस होता है वो क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल में अपने आप ही होता है। वी टेंड टू इंजॉय एनी फेस्टिवल और रिचुअल टुगेदर। इसमें क्या होता है, जो हम आसपास के लोग मिलके जो रहते हैं, एक तरीके से जो कम्युनिटी में मिलके रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम जो भी फेस्टिवल मनाते हैं वो सारे मिलके एक दूसरे के साथ मनाते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी फीलिंग। इसमें क्या होता है, एक तरीके से अच्छी फीलिंग भी आती है। विदाउट इट बिलोंग बी अलोन। और बिना जैसे किसी भी तरह के अगर जिस कम्युनिटी वगैरह नहीं होगा तो क्या होगा, किसी भी फेस्टिवल को हम मनाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सारे फेस्टिवल या फिर हम अकेले रह रहे हैं। बट वही चीज हम कम्युनिटी के साथ करेंगे तो एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग सा ही एहसास होगा। कॉपरेशन। इसमें क्या है, द वेरी आइडिया ऑफ कम्युनिटी कम इंटू बींग इफ बिकॉज पीपल लाइक टू कॉपरेट विद ईच अदर। इसमें क्या होता है, जब हम कम्युनिटीज में तो होते हैं तो जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग आइडियाज होते हैं, परंतु क्या होता है कि हम इसमें सब एक दूसरे की बात भी सुनते हैं और एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं। इट लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड। इसमें क्या होता है, जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। इसमें क्या होता है, अच्छे तरीके से होता है, जैसे कि जो हमारी कम्युनिटी होती है वो मजबूत होती है। थर्ड पॉइंट है फीलिंग ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या है, इन अ कम्युनिटी पीपल लिव बाय एसोसिएट विद वन अनदर। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिटीज में जो लोग होते हैं वो एक तरीके से एक दूसरे पे एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे पे। द फीलिंग ऑफ एसोसिएशन इज अ कॉमन ह्यूमन फीलिंग। और इसमें जो एसोसिएशंस में जो कम्युनिटीज रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी जो क्या होती है, जो फीलिंग्स वगैरह भी होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है सब लोगों के एक तरीके से। इसमें सोचते हैं दिस हेल्प इन एस्टेब्लिश पीस एंड हारमोनी विद द कम्युनिटी। इससे क्या होता है, जो भी हमारी कम्युनिटी में जो भी लोग रहते हैं उसमें एक तरीके से शांति बनी रहती है, और एक तरीके से वो सब एक दूसरे साथ मिलजुल के रहते हैं। विदाउट फीलिंग ऑफ एसोसिएशन देर विल बी आर दिस हारमोनी इन द सोसाइटी और कम्युनिटी। और वो लोग क्या होता है, बिना किसी एसोसिएशन वगैरह के रहेंगे तो क्या होता है, उन लोगों के बीच में ना ही शांति होगी, ना ही किसी प्रकार का अच्छा सा तालमेल बनेगा, और ना ही वो अच्छे से रहेंगे, मतलब एक तरीके से उनके बीच में चिड़चिड़ापन रहेगा, और तो क्या होता है, एक तरीके से उनकी जो कम्युनिटी है वो अच्छे से भी नहीं होगी। डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या है, वी शेयर अवर वर्क एंड दिस डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू अवर डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल वर्किंग इन डिफरेंट रोल्स। इसमें क्या होता है, जब हम कम्युनिटी में रहते हैं तो हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने काम को भी शेयर करते हैं, और इसमें क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान पर डिपेंड भी हो जाता है, जिससे कि वो क्या होता है, एक दूसरे से अपना काम भी करवा लेते हैं। वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर अपार्ट फ्रॉम अवर फैमिली मेम्बर्स। इसमें क्या होता है, हम अपने काम के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए, अपने अड़ोसी पड़ोसी पे भी डिपेंड होते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क इज इम्पोर्ट फॉर अ वेल फॉर्म एंड वेल फंक्शनिंग कम्युनिटी। इसमें क्या होता है, जब हम अपने काम को डिवीजन करते हैं, उसे बांटते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उस पर भी हमें एक तरीके से लगता है कि हाँ भी हम कम्युनिटी में रहते हैं तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं, और इससे एक अच्छी सी बॉन्डिंग भी बनती है, जिससे कि जो हमारी कम्युनिटी होती है वो भी स्ट्रांग होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।